नमस्कार। समग्र विश्व एवं महामारी कोरोना को सामना करुछि। आम देश एवं राज्य में यार द्वितीय लहर एवं सृष्टि करिछि मृत्युर तांडव। दिनक दिन संक्रमण बढ़िबा सहित बढ़ुछि मृतकों संख्या। अनेक संक्रमित एवं भी भेन्टिलेटर रही मृत्यु सहित संग्राम करुछन्ति। आहुरी अनेक संक्रमित अम्लजन अभाव मृत्यु मुखरे पड़ुछन्ति। एभली स्थिति रे संक्रमण चेन को भांगिबा पई मास्क पिंधिबा जरूरी होई पड़िछि। तेणु आपण मास्क पिंधंतु एवं सुरक्षित रहंतु। एबे आसीबा खबर को व्यक्तिगत गोपनीयता को नहीं केंद्र सरकार एवं सामाजिक गणमाध्यम भीतर लागी रहितबा शीतल युद्ध नुआ बड़ नै छि। गूगल समेत अधिकांश अंतर्जातीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म केंद्र सरकार को शर्त राजी होइछंती। सरकार आईटी नियम रे परिवर्तन करी जणे ग्रीभांस ऑफिसर अर्थात अभिजोग सुनिबा पई जणे अधिकारी को नियुक्त करबा को शर्त रखिथिले। जेउथे राजी होइछंती व्हाट्सएप फेसबुक पर बहुल व्यवहृत सामाजिक गणमाध्यम संस्था ट्विटर एथिरे अमंग होता बेले एक आईन फार्म रे कार्यरत वकील को ट्विटर यार नोडल अफिसर भाव में नियुक्त करिछि। केन्द्र सरकार इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड अनुसार सोशल मीडिया नियुक्त करुथबा अधिकारी जनक भारत बासिंदा होथिबे आ कंपनी जणे कर्मचारी होबा जरूरी। ए नियम आधार में अधिकांश प्लेटफॉर्म नोडल और ग्रेभांस अधिकारी विवरणी देवा सहित सरकार नुआ नियम को पालन करिवे बोली सहमति प्रकाश करिछि। पश्चिमबंग मुख्य शासन सचिव अक्षन बंदोपाध्याय दिल्ली डाकरा ए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी दिल्ली में रिपोर्ट करने को कहुई। गतकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशार बात्या परिस्थिति समीक्षा करने पश्चिमबंग जाते हैं। प्रधानमंत्री समीक्षा बैठक में बसी पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बानाजी बैठक में सामिल होते मुख्यमंत्री ममता बानाजी कि मुख्य शासन सचिव तेज बैठक में आलोचना आरंभ करने को प्रधानमंत्री प्राय अर्ध घंटा धरी अपेक्षा करते तेज कि समय पर मुख्यमंत्री आसी राज्य में बात्या क्षयति रिपोर्ट लिखा कागज विड़ाई धरी पुणी चली जाते अनेक स्थान में क्षयति आकलन करार अच्छी ममता और मुख्य शासन सचिव चली जाते बिवाद पर केन्द्र सरकार यह निष्पत्ति कह लोकतंत्र के मूल सिद्धांत क्या है जीत की अपनी अपना ग्रेस होता है और हार की अपनी डिग्निटी होती है। प्रधानमंत्री जी वहां पर इस आपदा के समय इस संकट के समय में तूफान के समय में लोगों को राहत देने गए थे लोगों के दुख दर्द के हिस्सेदार भागीदार बनने गए थे और खुद मुख्यमंत्री जी को इस बात का एहसास होना चाहिए था कि प्रधानमंत्री जी किस लिए आए हैं। आप जो है वहां पर अपना पॉलिटिकल स्कोर करने में लग गई एक बहुत ही शर्मनाक काम और एक बहुत ही बेहुदा काम मुख्यमंत्री जो पश्चिम बंगाल की है उन्होंने किया है एक चीज। दूसरी चीज ये कि आज तक देश के लोकतंत्र के इतिहास में इतना भद्दा इतना गंदा इतना बेहुदा काम किसी चुने हुए मुख्यमंत्री द्वारा एक देश के लोकप्रिय नेता एक देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए जो व्यवहार था वो नहीं देखा है किसी ने। आपने जो अपनी संवैधानिक और लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है उसको ताक पे रख करके अहंकार और अराजकता का एक तमाशा किया और उस तमाशा जनता देगी और उसका जवाब देगी। बात्या मुकाबिले रे ओडिशार पदक्षेप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रशंसा। भुवनेश्वर राज्य सरकार सहित होता समीक्षा बैठक फलप्रद और गठनमूलक एने ट्वीट कर प्रधानमंत्री प्राकृतिक विपर्य मुकाबला क्षेत्र में ओडिशा प्रशंसनीय पदक्षेप विपर्य परिचालना क्षमता वृद्धि पर आगक मिलित भाव में कार्य करीटे उल्लेख कर प्रधानमंत्री। गतका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशमार्गर राज्यर बात्या प्रभावित अंचल बुली देखा भुवनेश्वर एक समीक्षा बैठक करते बात्या क्षयति बाबद राज्य सरकार केन्द्र निकट में कौन से आर्थिक सहायता दावी कर सत्वे केन्द्र सरकार 500 कोटी टंकर सहायता घोषणा कर।
आज बसुची मंत्री परिषद बैठक मुख्यमंत्री नवीन पटनायक अध्यक्षत अपराह 5:30 मिनिट्रे मंत्री परिषद बैठक बस दुई वर्ष तले मे 29 पंचम थरपाई ओडिशार मुख्यमंत्री भाव दायित्व ग्रहण करते पंचम पाड़ी दुई वर्ष पूर्ति उपलक्षे बैठक करोना मुकबिला जारी रही अंपटे उत्तर ओडिशा बात्या यश जो क्षतिग्रस्त होत्या परवर्त पुनरुद्धार और बन्या मुकबिला रिलीफ कार्य जारी रही तेणु मंत्री परिषद बैठक में राज्य सरकार आभिमुख्य नहीं मुख्यमंत्री वार्ता दे परंती बिजेडीर पंचम पाळीर दुई वर्ष पूर्ति नहीं प्रतिक्रिया रखिछन्ति वरिष्ठ बिजेडी विधायक देवी मिश्र कहिछन्ति अर्थनीति उपरे कोरोना प्रभाव रही मुख्यमंत्री जीवन को प्राथमिकता देछन्ति अर्थनीति को सुधारिबाको प्रयास करा जाउछि एमएसएमई कृषि क्षेत्र को गुरुत्व देउछन्ति सरकार कोविड चिकित्सा मागणारे करिबारे ओडिशा हेउछि प्रथम सेपरि बात्या मुकाबिला प्रसंगे केन्द्र निकटरे राज्यर दाबी नहीं देवी प्रसाद मिश्र प्रतिक्रिया रखिछन्ति कहिछन्ति दीर्घमियादी योजना कथा सरकार उल्लेख करिछन्ति बारंबार प्राकृतिक दुर्विपाक राज्य शिकार हो मुकुलिबा पई दीर्घ मियादी योजना जरूरी कोविड रे महामारी रे ए जो इंपैक्ट हमर विभिन्न क्षेत्र जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो काम को इम्प्लीमेंटेशन पे यदि बाधा नहीं ताको नबा एवं जो चाप पड़ुछि अर्थनीति उपरे तेनो कामर देखा जे यार केते आउ ए जो द्वितीय लहर केते दिन रहुची प्रथम लहर को आम सफलतार सहित श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक नेतृत्व में मुकाबला करा जाइतला एवं आम अर्थनीति भी रिकवरी करी आसीथला पुणी जो द्वितीय लहर रो इंपैक्ट केते दिन रहुची केते दिन यार के कहउछंती जे जून रे सरीबो के कहउछंती जुलाई जाय जीवो पुणी तृतीय लहर एक्सपेक्ट करछु सल दिज ना बर्तमान टू से भविष्यवाणी करहब ना तेणु तारी उपरे ही निर्भर करुच्चे आमर आउ तीन वर्षर जो कार्यकलाप तथापि सरकार जत्पूर्णास्ती उद्यम करुच्चे कि भाव में लोकंर जो जो प्राथमिक कार्यक्रम गुड़िक नि जो कथा को उद्घोषण करमी अनुपालन करेंगे तेणु से चाषी होमती दे कलिया टाँह रिलीज कर किंबा एमएसएमई टीनी सेक्टर क्षेत्र जो छाड़ करने जो अच्छी किंबा पीरियडिक जो गोटे गोटे भी आसूसी धरत बस वाला बस ऑफ रोड है दुमास छाड़ा पड़ा टैक्स से छोटिया ही पारे छोटू बड़ जाए यार इंपैक्ट निश्चय रही मुकाबला कर राज्य सरकार आग को प्रयास जारी रखिंट ना आम कि वर्ष तेज़ जितिय अभिवृद्धि हार में सब भी चलू तेणु आम आम अभिवृद्धि धारा को नाला टू कैचअप विथ बिग लिग जो माने कि पंजाब महाराष्ट्र जो पर कैपिटा पहुँचा कहले आमको प्राकृतिक दुर्विपाक गोटे बड़ बाधा होपर एडिशनल बोझ एवं पड़गला जो महामारी कोविड तेणु ताको उतरवापाई से भाया जो दीर्घस्थायी व्यवस्था ओडिशा सरकार माननीय मुख्यमंत्री जोटा को कही प्रधानमंत्री की ताको सहायता देले भारतर एही प्रांतर लोक माने प्रकृत रूप ओडिशा सरकार मगाइछंती कोरोना निरोधी औषध 2DG 5000 2DG सचेट पई ऑर्डर देइछंती राज्य सरकार ए औषध कोरोना आक्रांत को चिकित्सा क्षेत्र रे फलप्रद हेउछि कोरोना आक्रांत को शीघ्र सुस्थ करिबारे सहायक हेउछि कोरोना आक्रांत को अवलोकन आवश्यकता को ढेर कमाई देउछि 2DG पैकेट 990 टंका रे बिक्री करा जाउछि गतकाली एही बाजार मूल्य धार्य करथिला कंपनी किंतु राज्य सरकार को औषध रिहाती दर में जोगाय दिजी कंपनी सूचना देखा डीआरडीओर एक औषध को प्रस्तुत करी बिक्री कर डॉक्टर रेड्डी लैब कोरोना औषध 2DG किणवाई अर्डर देते राज्य सरकार 5000 सचेट 2DG मेडिसिन अर्डर दीजिए स्वास्थ्य विभाग पक्ष राज्य में कोरोना रोगी चिकित्सापी औषध अर्डर दीजिए या भितर भारतीय प्रतिरक्षा गवेषणा संस्था डीआरडीओ और अन्यतम सर्वबृहत फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डी मिलित सहयोग में प्रस्तुत कोरोना औषध 2DG मूल्य निर्धारण गोटे सचेट 2DG दाम रही 990 टंका जहां डॉक्टर रेड्डी कंपनी पक्ष तेरे देखिए कि राज्य सरकार को रिहाती दर में यह औषध जोगा दीजिए कंपनी पक्ष एथसत सरकारी हस्पिटाल द्वारा यह औषध को रिहाती जोगा दीजिए कंपनी
କରୋନା ବିରୋଧୀ ଲଢ଼େଇରେ ଏ ଔଷଧ ଭଲ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଶରୀର ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାପଦ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଟୁ ଡିଜି ମଗାଇଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କରୋନା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡିଆର୍ଡିଓ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ରେଡ୍ଡି ଲ୍ୟାବ୍ ମିଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଟୁ ଡିଜି। ତେବେ ଶୁକ୍ରବାର କରୋନା ବିରୋଧୀ ଲଢ଼େଇରେ ଡିଫେନ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଡିଆର୍ଡିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଔଷଧ ଟୁ ଡିଜିର ଦର ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ଦେଶରେ 24 ଖଣ୍ଡରେ କରୋନା ନେଇଛି 3617 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ। ଏଥିସହିତ ଦେଶରେ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 322,512କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେହିପରି ଦେଶରେ ଦିନକରେ 1,73,790 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ବାହାରିଛନ୍ତି ଆଉ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା 2,77,29,247 ପହଞ୍ଚିଛି। ମୋଟ ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ 22,28,724, ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି 2,51,78,011। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି 7188 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗରୋଧରୁ 4026 ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ 3162 ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ 7,271, ସେହିପରି ସୁସ୍ଥ ହେଲେଣି 6,47,133। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 7,47,143କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 1,134 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଟକରୁ 690, ଅନୁଗୁଳରୁ 515, ଯାଜପୁରରୁ 406, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 320 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବରଗଡ଼ରୁ 271 ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବୌଦ୍ଧରୁ 257, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ 255, ନୟାଗଡ଼ରୁ 242, ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ 216, କୋରାପୁଟରୁ 202 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 172, ରାୟଗଡ଼ାରୁ 165, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ 154, ସୋନପୁରରୁ 128, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ 177, ଗଞ୍ଜାମରୁ 163, ସମ୍ବଲପୁରରୁ 120, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ 114, ଗଜପତିରୁ 106, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 103, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ 93, ମାଲକାନଗିରିରୁ 92 କରୋନା ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ବାଦ ଭଦ୍ରକରୁ 99, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ 75, ନୂଆପଡ଼ାରୁ 62, ଦେବଗଡ଼ରୁ 61, କେନ୍ଦୁଝରରୁ 57 ଏବଂ କନ୍ଧମାଳରୁ 54 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 35 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି କିଲର ଭାଇରସ। ଏଥିସହିତ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 2,686କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଅନୁଗୁଳରୁ ସର୍ବାଧିକ 5 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ରାୟଗଡ଼ାରୁ 4 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ମୃତ। ସେହିପରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନବରଙ୍ଗପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 3 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବୌଦ୍ଧ, ଜଗତସିଂହପୁର, କୋରାପୁଟରୁ 2 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଟକ, ମାଲକାନଗିରି, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରାଣ ପାଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାଇଛି 1319 ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ 1319 ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର ପଠାଯାଇଛି। ରାଉରକେଲା, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, ଅନୁଗୁଳରୁ ଏହିସବୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି। ରାଉରକେଲାରୁ 624, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ 301 ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର ପଠାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଯାଜପୁରରୁ 273, ଅନୁଗୁଳରୁ 121 ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର ପଠାଯାଇଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ 402 ଟ୍ୟାଙ୍କର ପଠାଯାଇଥିବା ବେଳେ ତେଲେଙ୍ଗାନାକୁ 349, ହରିୟାଣାକୁ 177, ତାମିଲନାଡୁକୁ 134 ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର ପଠାଯାଇଛି। ସେହିପରି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶକୁ 66 ଟ୍ୟାଙ୍କର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶକୁ 41, ଛତିଶଗଡ଼କୁ 39, ଦିଲ୍ଲୀକୁ 22 ଟ୍ୟାଙ୍କର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପଠାଯାଇଛି। ସିପିଆଇଏମ୍ ରେଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ର ରାଜ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଶିବରାମଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ହୋହାଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କିମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଶିବରାମଙ୍କର ଆଜି ସକାଳେ କୋଭିଡ୍ରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପୋଲିସର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ସିପିଆଇଏମ୍ର ରେଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ର ରାଜ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯିଏକି ରହିଛନ୍ତି ଶିବରାମଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଘରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏଭଳି ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ହୋହାଲ୍ଲା କରିଥିଲେ ଯେଭଳି ଭାବରେ କିମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ତାଙ୍କର ଆଜି ସକାଳେ କୋଭିଡ୍ରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।
जहाँ कर्मकर्ता मैंने अभियोग करते कि हस्पिटाल उपयुक्त चिकित्सा सुविधा मिल पार नाला फल चिकित्सा अभाव मृत्यु होता दलय कर्मकर्ता मैंने अभियोग करते नहीं हस्पिटाल परिसर में उत्तेजना प्रकाश पाई पुलिस घटनास्थल में पहुंची और कर्मकर्ता बुझासुझा करने परिस्थिति शांत पड़ी। बन्या परे कुंभीर आतंक नदीकूल में बुलुची कुंभीर बन्या परे परे जाजपुर जिला दशरथपुर ब्लक दत्तपुर निकट बैतरणी नदी में एवं कुंभीर देखा मिली कुंभीर को नहीं दत्तपुर अंचल आतंक खेली जाए पूर्व यह नदी में कुंभीर देखा मिलता सप्ताह ते कईया पंचायत एक गाय को कुंभीर खाई एवं पुनर्वार नदी में कुंभीर देखा स्थानीय लोक भयभीत हो पड़ते भयर लोक नदी भितर को आज जाऊना तुरंत कुंभीर टी उद्धार कर अगर स्थान में छाड़ापी दावी छे। राउरकेलें जुआ अड्डा उपर चढ़ाऊ गिरफ होती 12 जन जुआड़ी नगद 77,000 टंका सहित 14 मोबाइल फोन जबत कर प्लांट साइड पुलिस सरर प्लांट साइड थाना अंचल में विभिन्न स्थान में बेनामी जुआ खेल चलुवा नहीं पुलिस खबर पाइबा चढ़ाऊ कर तेरे होटेल रेनबो रेजेन्सी आनंद भवन लेन प्लांट साइड और नुआ बसस्टाण अंचल अतर्कित भाव में होता यह चढ़ाऊ पुलिस 12 जन जुआड़ी को गिरफ्त करने सहित नगद 77,000 टंका जबत कर 14 मोबाइल फोन जबत कर पुलिस प्राथमिक तदंत पर जुआड़ी मान को कोर्ट चलाण कर कूर वृद्धा महिला उद्धार कला अग्निशम बाहिनी घटना घटी जाजपुर जिला धर्मशाला ब्लक नेउलपुर गांव में ग्रामर जड़े 70 वर्षिया वृद्धा मरुआ जेना अजाणतरे घर पाखे कूर में पड़ जाते तेज कूर में पा रही बेले वृद्धा जनक कू भितर बुड़ी रही है जाणापर पर लोक तुरंत चंडीखोल अग्निशम बाहिनी को खबर देते खबर पाई अग्निशम बाहिनी घटनास्थल में पहुंची अध घंटा काल परिश्रम करने वृद्धा महिला कूर उद्धार करने सक्षम होते महिला स्थानीय हस्पिटाल चिकित्सा करा महिला स्वास्थ्यावस्था भल जमापड़ अग्निशम बाहन एभली सफल उद्यम को विभिन्न महल बेस प्रशंसा कर पोखरी रे बुड़ी माँ और झीं मृत्यु हो झीव को उद्धार करने को जाई बुड़ी गला माँ जाजपुर मंगलपुर थाना दक्षिण बंध गांव में एभली अभावनीय एवं अघटन घटना घटी मृतक होती श्रद्धांजलि महांती एवं झील हो लेखाश्री माँ एवं झील घर पाख पोखरी को गाधोवाक जाते समय झीर गोड़ खसीजी से गभीर पा बुड़ जाता झील को उद्धार करने को जा माँ श्रद्धांजलि पोखरी में बुड़ जाते उभय माँ और झील दीर्घ समय धरी घर को न फेरबार परिवार लोक माने बहु खोजाखोजी करथिले परे उभयंक मृतदेह पोखरी भितरु उद्धार करा जायछि। दिन दीपहर में डाक्तर दंपति को गोली करी हत्या बीच रास्तार गाड़ी को अटकई डाक्तर दंपति को हत्या करी दुई दुर्बृत्त राजस्थान भरतपुर अंचल में घटी एभली जघन्य हत्याकांड मृतक होती डॉक्टर सुदीप गुप्ता और पत्नी डॉक्टर सीमा गला किछि दिन हला उभय को हत्या धमक दि जाऊला हत्या करार एभली भयानक दृश्य एवं सोशल मीडिया भाइराल होती दुई हत्याकारी चिन्हट कर अनुज और महेश खूब शीघ्र दुई अभियुक्त को गिरफ्तार बोली आईजी प्रसन्न कुमार कहते भौणी हत्याकांड प्रतिशोध नेबा डाक्तर दंपति को एभली हत्या कर सन्देह कर पुलिस 2009 नवंबर 2019 निआरे पोड़ी होई जोने महिला पांच वर्ष झीर मृत्यु होता महिला निआ लगाई हत्या करने अभियोग में डाक्तर सुदीप गुप्ता और पत्नी माँ को गिरफ्त कर पुलिस यार प्रतिशोध नेबा महिला भाई अनुज और तार सहयोगी यह हत्याकांड घटाई पुलिस सन्देह कर घटन अनुज स्थान भौणी को पुलिस अटक रखी अधिक पचराउचरा कर जो कि 2019 में 7/11/19 की शादी घटना है और इसके बदले के तौर पर इन दोनों के द्वारा ये घटना घटित की गई है दुखद घटना है जल्दी ही जैसा मैंने आपको कहा पूरी टीम हमारी लगी हुई है और बहुत जल्दी सफलता मौके से हमें सीसीटीवी फुटेज मिला था जी उसको हमने आइडेंटिफाई हमारे जाब्ते के द्वारा कुछ जो पुराने जो लोग रहे हैं
जी उनके द्वारा आइडेंटिफिकेशन करवाया गया तो एकदम इसमें क्लियर हमें आइडेंटिफिकेशन इसका मिल चुका है और इसका जो साथी है उसका भी हमें आइडेंटिफिकेशन दोनों का आइडेंटिफिकेशन हो चुका है। मर्डर हुआ है इसमें दोनों एक को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उनके तरीके प्रयास जारी है। घटनाक्रम 2019 में एक जो घटना हुई थी जिसकी भी आप सभी को भी जानकारी है उससे संबंधित है जो पूर्व में जिस का मर्डर हुआ उसके भाई और उसके एक साथी उन्होंने घटना को अंजाम दिया था। मुंबई रे पेट्रोल 100 टंका अतिक्रम करिछि जहां सर्वकालीन रिकॉर्ड शनिवार पेट्रोल लीटर पिछा 26 पैसा और डीजल 30 पैसा वृद्धि पाई। दिल्ली रे पेट्रोल लीटर पिछा दर रही 93.94 पैसा से परी मुंबई रे पेट्रोल रेट रही 100.19 पैसा। कोलकाता रे एही दर 93.97 पैसा थिबा बळे चेन्नई रे लीटर पिछा रही 95.51 पैसा से परी दिल्ली रे डीजल लीटर पिछा दर रही 84.99 पैसा। मुंबई रे 92.17 पैसा कोलकाता रे 87.74 और चेन्नई रे 99.75 पैसा रही डीजल लीटर पिछा दर। पेट्रोल के मतलब तेंदुलकर कैसा सेंचुरी मारता है वैसा मोदी जी ने सेंचुरी मारा है और सबका नुकसान हो रहा है। क्या जिसके पास पैसा उसका काम चल जाता है? पहला 6 दिन पेट्रोल चलने का टाकी फुल किया तो अभी 2 दिन में टाकी फिर से फुल करना पड़ता है। ऑफिस जाने के टाइम भी हर एक वक्त में हर एक चीज में पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है ना पूछो मत, सबका हालत खराब है भाई। हर एक चीज महंगी कर दी है मोदी जी ने तो उनको क्या, उनके पास पैसा उनका चलता है बाकी का कैसा चलेगा भाई। सर पहले 500 का पेट्रोल भराते थे तो कम से कम 8 दिन चलता था सर, अभी तो 6 दिन ही चल रहा है। सुबर्ण रेखा रे बन्या स्थिति नाही ए सूचना देछंती जल संपद विभाग सर्वोच्च यंत्री ज्योतिर्मय रथ। से कहिछंती सुबर्ण रेखा रे बन्या आशंका टळी जाईछि, एठरे विपद संकेत 10.34 थिबा बळे गतकाली 1 मीटर तळे जलस्तर थिला। राति सारा विभागीय अफिसर माने नजर रखिथिले, एबे सेठरे विपद संकेत ठारु 5 फुट तळे पानी प्रवाहित होउछि। बात्या परे जेउठरे पानी जमिथिला ताहा खसि जाईछि। बालेश्वर बस्ता ब्लॉक रो किछि अंचल रे एबे भी पानी अछि। आज संध्या किंबा काली सुद्धा से सब अंचल रे स्थिति स्वाभाविक हेबार आशा करा जाउछि। सुबर्णरेखा नदी बंधरे कोनोसि घाई होइनि किंतु बैतरणी रो शाखा काली नई रो मालिकापुर पाखरे गोटे घाई होइछि। उपर मुंडरे बर्षा नाही, स्थिति स्वाभाविक हेबाकु जाउछि। बस्ता एवं बालियापाड़े पानी एबे भी अछि। क्षयति ने संपूर्ण रिपोर्ट आसी नाही बोली कहिछन्ति सर्वोच्च यंत्री ज्योतिर्मय रथ। आम कौटा को प्रायोरीटी करवा कौटा निहत दरकार, हठात तो बहुत पैसा कौट मिल पाइबानी तेनाली गोटे बड़ धरण बर्तमान डीपीआर करने को जाऊँ से गोटे फेज वन आम किसी कम आरंभ कर मानने अग्राधिकार भित्ति में आम किसी कम करने को जाऊँ से अनुसार बर्तमान सरकार फेज वन 380 किलोमीटर रखा चाहूँ से आप देखो केन्द्रापड़ा जिला अच्छी जगत सिंह सब आप जिते कोस्टाल डिस्ट्रिक्ट अच्छे सब सब आम कह कर बर्तमान आम चिंता कर आम प्रथम आम 1944 crores आम चिंता किंतु आमर अच्छे माइंड रे आम प्रथम पर्यायर से पखापाखि 2000 कोटी टकर काम करने चाह। रविधान किणा लागि मे 5 तारीख आरंभ होइछि मंडी व्यवस्था, किंतु एथरे आरंभरु व्यापक अव्यवस्था देखिबाक मिलिछि। अपर अभिजोग करिछन्ति बीजेपी कृषक मोर्चार राज्य सभापति तथा पूर्वतन विधायक प्रदीप पुरोहित। से कहिछन्ति बजारे एबे 1000 टंकारे चासी धान बिक्री करुछि। टोकन पाइथिबा चासींक मध्यरु 10-20 भाग चासींक टोकन अवधि शेष होइगलाणि। मिलर्स मानक उपरे राज्य सरकारक नियन्त्रण रहनथिबारु मिलर्स माने निज मर्जी मुताबक मंडीरु धान उठाउछन्ति। प्रति क्विंटाल 5 किलोरु 6 किलो धान कटनी छटनी करुछन्ति। ता सहित टोकन व्यवस्था व्यापक अनियमितता देखा देउछि बोली से अभियोग करिछन्ति। तेणु मुख्यमंत्री खोद जोगाण विभाग अधिकारी सहित बैठक कर चाषी को सुरक्षा देवार व्यवस्था करंतु बोली से दाबी करिछन्ति। यास तो चली गला, बात्या चली गला, बात्या समय सरकार व्यस्त थिले किंतु कम से कम एबे ओडिसार माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को अनुरोध करी जे चाषी ए रवि ऋतु धान बिक्री बा टोकन व्यवस्था नहीं कि चाषी अवस्था असंभाल हो जाए। चाषी को 2000 टंका दे कि चाषी खुशी नुह, तुरंत ओडिसार मुख्यमंत्री गोटे समीक्षा बैठक डाकंतु जमी यास सरकार विधिवत हिसाब से व्यवस्था कले
ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଣ୍ଡିରେ କେମିତି ଧାନ ଉଠିବ, ଟାର୍ଗେଟ୍ କେମିତି ଅଧିକା ଦିଆ ହେବ, କଟିନି ଛଟିନି ଚାଷୀର 4 କେଜି 5 କେଜି କେମିତି ହେବ ନାହିଁ ବନ୍ଦ ହେବ, ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁରନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଚାଷୀଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଅଛି, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସରକାର ଅଛି। नेटवर्क एटी निहा सुनिश्चित करबा को चाहिए प्रत्येक भारतीय को कोविड टीका मिलू। टीकाकरण संपर्क में सचेतनता सृष्टि पाई नेटवर्क एटी एवं फेडरल बैंक रो प्रयास संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ को समर्थन करंतु। स्वास्थ्य विशेषज्ञ अपोलो 24x7।